दीदी है ना, हम आपको तब से देख रहे थे, हमको लगा आप लोग कहीं देखे हैं। कुछ आया पसंद? नमस्कार जी, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मार्केट निकलने की तैयारी। क्या कर रहे हैं? हम तो तैयार ही हैं, तैयारी ये कर रही है। हम भी तैयार हो गए हैं, बिल्कुल तैयार हो गए ना। शॉपिंग भी किस चीज की कर रहे हैं? बर्थडे की, जो कि हम कभी ये सब करते नहीं। बढ़िया जबरदस्ती क्या कहे जी, अब बीबी कह रही है तो चलना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये जो आप डर रहे हो कि हम अपने लिए करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, हम आपके लिए करेंगे। अपने लिए भी नहीं चाहिए हमको, हमको क्या बर्थडे का शॉपिंग, क्या दिक्कत है? वही कपड़े पहन लेंगे जो पहले से। नहीं, बाद में ताना देंगे कि तुम्हारे बर्थडे में ये लिए, तुम्हारे बर्थडे में ये। कोई ताना नहीं देंगे, लेकिन अपने बर्थडे में हम कुछ नहीं लिए तो हमको ये ताना नहीं सुना। हम कभी नहीं जुड़ाएंगे सब चीज के लिए। पतिदेव के तो तैयार हो जाओ, होगी तैयार। वाह बहुत बढ़िया, चलो फिर। हमको लगा और लेगी 15 मिनट। हमेशा इनको यही लगता है, थोड़ा सा तो टाइम लगता है मेकअप करने में। ये थोड़ा सा टाइम कितना होता है? 1 घंटा, 1.5 घंटा, हाँ। 2 घंटा, कितना होता है थोड़ा सा टाइम? फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं। तो इसके बारे में हम सोचते हैं क्या जिया, तो पूछेगा नहीं क्या है रास्ता, हमको देखेगा घूर के क्या है ये लगा हुआ। हाँ। उसको कहेंगे हड्डी टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, देख के नहीं समझेगा। ये के लिए, हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए है। वेरी नाइस। और एक चीज तो हम दिखाना भूल ही गए, आपका चप्पल। फाइनली इन्होंने चप्पल खरीद ली, आलसी पति देव। उसी हमको फालतू चीज लग रहा था चप्पल लेना, लेकिन जब गिर गए तब लगा कि नहीं अब जो है ले लेना चाहिए। दो बार गिरे, एक बार बाथरूम में गिरते गिरते बचे है ना। अब यह कमर लेकिन मतलब अच्छा खासा बेड रेस्ट पर चल जाते हैं, दो ही सीढ़ी पर रुक गए। चुप रहो, कुछ से कुछ मत बोलो। ये हॉस्पिटल है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डकैत है, फ्री करवाई इलाज, यहाँ भयंकर डकैत। यहाँ भी इतना पेटी जोटी सबका खुल गया है ना, पहले पेटीज का खाली एक तो उस पार में दुकान था, अब जगह जगह पेटीज खुल रहा है। हाँ जी, पूछ रहे ब्लॉग के बारे में, क्या बोल रहे थे? बन रहा है, यूट्यूब पर है, ये देखो अभी पहली बार देखे हैं, अभी भी यूट्यूब पर है हम लोग। तो दिया सा सोच रहे, देखिएगा आप लोग, वही सोच रहे थे घूर क्यों रहा है। हाँ, तो तुमको देख के पहचाने हैं। आपको तो यहाँ हड़बड़ी ही है निकलने का। फाइनली हम पहुँच चुके हैं वन इंडिया मॉल। पूरा प्लेन वाला नहीं है, मतलब कुछ चेक चेक है, ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। चलो दूसरी जगह चलते हैं। ठीक, चलो। तो जी हम लोग आए हुए हैं रिलायंस ट्रेंड, वहाँ तो कुछ पसंद आया नहीं, देखते हैं यहाँ पर कुछ पसंद आता है कि नहीं। यहाँ कुछ अच्छा कलेक्शन, आपकी चालाकी, आप जहाँ भी जाते ये पसंद नहीं आया, नहीं पसंद, लेकिन हम कुछ को खरीद के रहेंगे, इसलिए चालाकी मत करना। बहुत बढ़िया, कि पहले तो हमें भरोसा ही नहीं हुआ कि यहाँ पर रिलायंस ट्रेंड खुल गया है। जब यहाँ रिलायंस ट्रेंड देखे तो कहते हैं रिलायंस ट्रेंड खुला है क्या यहाँ पर, फिर से हम देखिए एक बार गौर से, तब कहे कि हाँ सच में खुला हुआ है रिलायंस ट्रेंड। अच्छा लगा, हमारी सर कटिहार में भी रिलायंस ट्रेंड आ चुका है, तो देखते हैं अंदर में कलेक्शन कैसा रहता है, बाकी शहर की तरह रहता है कि नहीं। यहाँ पर आपका है सेकंड पे, चलो सेकंड फ्लोर। वाह, शॉपिंग करने स्लीपर में आए हो, एक ने नोटिस भी कर लिया था कि आप स्लीपर पहन के आए हो। स्लीपर पहन के कहाँ कहाँ चले गए हैं आपको क्या मालूम है? तुम देखो, तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं? तुमको तो अच्छा लग रहा है। दोनों रेड ही, जल्दी से ट्राई करो। चलो देखते हैं कहीं ब्लैक मिल जाए तो। कुछ आया पसंद? इतना सारा पसंद आया, और हम ब्लैक ढूंढ रहे थे, ये फाइनली हमको ब्लैक भी मिल गया। ये ब्लैक लगेगा ठीक? अब देखेंगे ना लगेगा कि नहीं लगेगा। ये हाफ लोग या हाफ नहीं? हाफ मतलब ब्लैक वाला जो फुल ब्लैक है ना, वो भी एक बार ट्राई करो आप, ये तो और भी अच्छा लग रहा है। ब्लैक ठीक है? हाँ,
बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कौन सा अच्छा लगा? आपको तो वो भी अच्छा लग रहा है, ये भी। दोनों ले लो, तीसरा भी देख लेते हैं। ठीक है, जो भी अच्छा लगे। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाफ ऐसा फूल रहता तो और भी अच्छा लगता। भैया फूल में होगा ऐसा? ये अलग कलर है, वो अलग कलर। आपको जैसे का पसंद है? आप ही ले लीजिए। आप टिकटॉक वाली दी है ना? हम आपको तब से देख रहे थे, हमको लगा आप लोग कहीं देखे हैं। तो अभी आप लोग YouTube पर देख रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग आपको टिकटॉक पे देखे थे। कटिहार अभी आए हम लोग का हो, यहाँ घर है कटिहार। और आप YouTube में अभी? इनकी बर्थडे शॉपिंग चल रही है। हम कहते हैं दोनों ले। ये प्रोसेस शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ, और शायद कोविड भी तो पहली बार ही देखा जी। क्या पहली बार? नहीं, और भी सारा मॉल घूमे ना, लेकिन ये यहाँ पे फर्स्ट हो रहा है वाला शायद और कहीं नहीं दिखा हमको ये। तो ये चीज अच्छा लगा कि हम कपड़े भी ले रहे हैं तो सैनिटाइज करके दिया जा रहा है जी। हमने कौन सा ड्रेस फाइनल किया है, इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग देखिएगा। Two hours later. हो गया शॉपिंग आपका? यहाँ पर बस शूट करने के लिए आए हैं। हाँ। और इतना झंझट हुआ है। हाँ। क्योंकि हाफ पेंट में थे। हाँ। अब यहाँ लोअर पेंट कर आ गए। हाँ। तो कितनी कहानी हुई है इस शॉपिंग को लेकर के, घर चलकर बताते हैं आपको। चलो जी, जैसे ही खरीदारी करके लौट रहे थे यहाँ पर ये दोनों सज्जन मिल गए। हाय। हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी। और एक और यहाँ पर ये पहचान गई है। तो आप लोग सबसे पहले कहाँ देखे थे? कहाँ पर कमेंट किया आपने? इंस्टाग्राम पे। तो जी इतने सारे जाने पहचाने वाले लोग मिल गए हैं, काफी अच्छा लग रहा है। मास्क उतार करके ही बात करते हैं, बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इन्होंने हमें कहाँ देखा। आपने कहाँ देखा? टिकटॉक पे। और टिकटॉक पे तो अभी कहीं पर देख रहे हैं? देखते हैं आप लोग यूट्यूब पर। चलिए हमें जानकर अच्छा लगा। क्या हुआ कि जब से टिकटॉक बैन हुआ है कई सारे लोग बिछुड़ गए हैं। हमें अच्छा लगा कि कुछ लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, वरना लगा था टिकटॉक के बाद सब बिछुड़ गए। हम लोग बस निकल ही रहे थे और इतने सारे लोग मिल गए। बाकी जो कहानी है शॉपिंग बहुत ही अलग तरह की कहानी है, घर चल कर आपको बताते हैं जी। हम लोग आए हुए हैं अभी कटिहार के आनंदपुर में। ध्यान है, हम लोग बचपन में बहुत आया करते थे यहाँ पर स्कूल टाइम में। और रसमलाई और छेना का कोई भी मिठाई हमको अच्छा लगता है जी। अपना चौमिन का आनंद ले रही है जी। हमारा भी डोसा आ गया है और हम भी आनंद लेते हैं। तो क्या नहीं खाना डोसा खाना है ना? चौमिन कहीं पेट नहीं भरा। हम लोग निकल रहे थे घर की तरफ, और घर निकलते निकलते सोचा कि माँ के दर्शन भी कर ले। हाँ। तो यहाँ काली मंदिर आए हुए हैं कटिहार के। मेरे पापा हर हफ्ते में एक बार यहाँ आते थे और यहाँ से पेड़ा लेकर के जाते थे, और हम लोग इंतजार करते थे कि पेड़ा खाना है। अब चलते हैं घर। A few moments later. अब जाओ ना, फेस भी धो लो। फेस क्या धोना है, आए हैं कब का फेस धो लिया है? लग तो नहीं रहा। बेइज्जती बदला लेंगे हम इसका, करके तो वो नहीं लग रहा है कि फेस धोया हुआ है। अच्छा लास्ट वाला बता दो ना, आज क्या क्या हुआ है। अच्छा उस कहानी को बताना है क्या हुआ है। तो जी हम पहुंच गए हैं घर, और घर पहुंचकर अपना चेहरा वहरा धोए, जो कि जिया को लगा कि नहीं धोया है, अच्छा खासा बेइज्जती कर दी है। अब बताते हैं वहाँ पर कहानी क्या हुई शॉपिंग को लेकर के। तो इतना परेशान हुए हैं, वहाँ पर सारा कपड़ा अपना पसंद कर लिया। हम लोग गए काउंटर पर, और वहाँ पर जो है पहले ही पूछ लिए थे कि भाई UPI पेमेंट हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि हम लोग का जो ATM कार्ड है लगभग लगता है शायद जब से चंडीगढ़ से आए हैं ATM कार्ड से कैश निकालने का एक बार भी काम नहीं हुआ। तो ATM का पिन भूल गए, और कहीं नोट करके रखते थे हम, लेकिन वो डिलीट हो गया कि क्या हो गया भगवान जाने। आपको लगता है आप जो सेव किया हो सकता है वही हुआ हो। तो एक का क्या, दोनों का हाल। तो जिया के भी ATM का पिन नंबर हमें नहीं मालूम, हमारी भी ATM का पिन नंबर नहीं मालूम। तो वहां जाकर के हम लोग पूछे कि भाई साहब
यहाँ UPI पेमेंट हो जाएगा? तो वो लोग कहे कि हाँ जी आपका UPI पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब नीचे जब काउंटर पर पहुंचे तो वो कहते नहीं UPI पेमेंट नहीं होगा। सोचे कि अब भाई अब क्या करें हम लोग। फिर उसके बाद जो है सोचे कि चलो आज अटेम्प्ट ले लेते हैं कि कौन सा पिन नंबर है। तो जितना अटेम्प्ट ले सकते थे, जितना पिन नंबर हमें याद था कि ये रख सकते हैं, सारा अटेम्प्ट ले लिया। तीन तीन अटेम्प्ट होता है ना, तो दो दो अटेम्प्ट करके ले लिए। तीसरे अटेम्प्ट पर तो कार्ड ब्लॉक कर देगा 24 घंटे के लिए। दोनों ने अपने-अपने किया, तो अपने-अपने ATM पर एक्सपेरिमेंट किया, नहीं हुआ कि नहीं याद रहा हमें। और उसके बाद सोचे कि चलो पिन को रिसेट कर देते हैं फॉरगॉट पिन करके। इसका जो बैंक है वो है सेंट्रल बैंक, और मेरा जो है वो है इंडियन बैंक। तो ना सेंट्रल बैंक का ATM काम कर रहा, ना इंडियन बैंक का ATM काम कर रहा। और दूसरे बैंक के ATM में जा रहे हैं, वहाँ फॉरगॉट पिन करके कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा था, वहाँ आ रहा था चेंज पिन करके ऑप्शन आ रहा था, तो वो भी काम नहीं हुआ। फिर हम लोग घर आ गए, कहे कि चलो कोई शॉपिंग नहीं हो पाएगा लग रहा है। तब भाई पापा और पापा से जो है ये तो खुद बात नहीं करते हैं। और हमको कपड़ा बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, हमको तो लेना था। और एक तो इतना करके मनाए हैं, और हम क्या कर सकते हैं। हम बोले इनको जाके आप डैडी को बोलो, बोलते हम नहीं बोलेंगे। तो हम गए, तब बोले डैडी को, तब ये गई और डैडी को बोली कि ऐसा ऐसा बात हो गया है। तब जो डैडी है अपना वो ATM दिए, बोले कि इससे जा करके कैश निकाल। तो उनके कार्ड से कैश निकाले, और फिर शाम में हम लोग गए वहां पर। लेकिन जो काउंटर पर जो लड़का था वो बड़ा अच्छा था, बिलिंग काउंटर पर। उसने कह दिया कि आप लोग चले जाओ, आपका जो हम है यहाँ कपड़ा रखे रहेंगे, आप लोग आज या कल तक आ जाओ, आपका ये सामान रखा रहेगा। तो हम लोग गए और सच में उसने रखा हुआ था, और वहां पर जो है आराम से बिलिंग करा लिए। तो जी यह थी हमारी शॉपिंग की कहानी। इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले, उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।